वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सेनरा एडवांस एजुकेशन। प्यारे बच्चों, आज हम स्टडी करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 8th। और आज की जो हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज इज 2.1। द क्वेश्चन इज 4। एक्सरसाइज 2.1, क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द गिवन नंबर मस्ट बी डिवाइडेड so that the quotient is a perfect square. Also find the number whose square is the new number. So हमें करना क्या है यहाँ पर, कुछ हमें पार्ट्स दिए गए हैं, जैसे 8820 इज ए नंबर। हमें फाइंड करना है कि ये जो नंबर है, इस नंबर में किस छोटे से छोटे नंबर को हम से डिवाइड करें ताकि जो हमारा नया नंबर है वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ओके, और हमें ये भी फाइंड करना है कि वो जो हमारा नंबर होगा तो वो किस, ऑल्सो फाइंड द नंबर हूज स्क्वायर इज द न्यू नंबर, तो वो जो नया नंबर है वो किसका स्क्वायर है। राइट, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए, 8820 ये नंबर हमें दिया गया है। हमें देखना है कि इसमें किस नंबर से हम छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड करें ताकि जो नया नंबर होगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और हमें साथ के साथ ये भी बताना है जो नया नंबर होगा वो किस नंबर का हमारा स्क्वायर होगा। सबसे पहले हम करते हैं इसके फैक्टर। एट थाउजेंड एट हंड्रेड ट्वेंटी। सो सबसे पहले हमें फैक्टर करने हैं, तो लास्ट में हमारे यूनिट प्लेस पर दिया गया है 0, यानी कि ये जो नंबर होगा हमारा 2 से इसके फैक्टर हो सकते हैं। 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 एंड 2 0, राइट, 0 एज इट इज। सो फिर से हम 2 से कर सकते हैं, 2 2 जा 4 एंड 1 में ये नहीं चल पाएगा। राइट, तो यहाँ पर हम करेंगे 0 लगा करके 2 5 जा 10, क्योंकि अगर 1 जो नंबर है हमारा सिंगल नंबर में नहीं चल पा रहा है यहाँ पर 2, तो हमें 10 में चलाना है, तो इसलिए पहले हम एक 0 लगाएंगे और फिर 2 5 जा 10। राइट, कंप्लीट में इस चलाते हैं। फिर से हम देखें यहाँ पर 2 से नहीं हो पाएगा इसको, तो 3 अगर हम करें, 3 से हम कर सकते हैं, 2 में नहीं चल पाएगा, 22 हम इसको हम डिवाइड लगाएंगे 3 से, तो 3 7 जा 21। राइट, 7 टाइम्स 1 बचा 10 हो गया, 3 3 जा 9, फिर से 1 बचा 15 हो गया एंड 3 5 जा 15। ओके, फिर से हम 3 से इसमें हम फैक्टर करेंगे 3 से, 3 2 जा 6, 1 बच गया 13 एंड 3 4 जा 12, फिर से 1 बचा 3 5 जा 15, नाउ 245। अब हम इसको करेंगे 5 से, क्योंकि 3 इसमें नहीं चल पाएगा, 5 4 जा 20, 4 बचा, राइट, सो 45 5 9 जा 45। फिर से हम इसमें कर सकते हैं 7 से, राइट, सो 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं इसके जो पेयर्स हैं, एक तो हमारा 2 का कंप्लीट पेयर बन रहा है 1 एंड 2, और 3 का यहाँ पर कंप्लीट पेयर है 1 एंड 2, राइट। इसी तरह से हमारा 7 का जो पेयर बन गया है, यहाँ पर एक नंबर बच गया है 5 जिसका पेयर नहीं बन पाया है, तो अगर हम इसमें 5 से डिवाइड कर दें दिए गए नंबर में, अगर हम 5 से डिवाइड कर देते हैं, राइट, तो हमारा जो नया नंबर होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। राइट, सो द फैक्टर ऑफ 8820 इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 7 × 7। ये जो हमने फैक्टर्स किए हैं वो हमने लिखे हैं, 2 का भी पेयर है, 3 का भी यहाँ पर पेयर बन गया है, 7 का भी पेयर है, तो 5 का पेयर नहीं है। सो इफ वी मल्टीप्लाई, इफ वी डिवाइड, सॉरी, इफ वी डिवाइड नंबर 8820 बाय
जो हमारा जिस नंबर का पेयर नहीं बना है उस नंबर से हम डिवाइड करेंगे बाय 5, देन द न्यू नंबर विल बी द परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर बन जाएगा। तो अब देखना ये है कि अगर हम यहाँ से डिवाइड 5 से डिवाइड करेंगे राइट, तो ये जो 5 है यहाँ से खत्म हो जाएगा, तो हमारा जो नया नंबर होगा वो परफेक्ट स्क्वायर किसका होगा, ये 5 से हम डिवाइड करने के बाद ये 5 निकल जाएगा यहाँ से राइट, ये नहीं बचेगा। सो जो नया नंबर होगा हमारा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा 2, क्योंकि यहाँ पेयर में से एक 2 बाहर आ जाएगा। द न्यू नंबर विल बी परफेक्ट स्क्वायर, ऑफ किसका होगा वो इक्वल टू, इस पेयर में से हम 2 निकाल देंगे, 1, यानी कि जो भी जहां भी पेयर है वहां से एक नंबर हम यहां पर लिख देंगे, 3 का पेयर है, 3 में से केवल एक 3 यहां पर लिखना है ओके। 5 से क्योंकि डिवाइड करने के बाद की हम बात कर रहे हैं, तो ये तो 5 डिवाइड होने के बाद में जो नंबर है ये फैक्टर जो 5 का है नहीं आएगा यहां पर, तो केवल यहां से आएगा 7 राइट। तो यहां पर हो जाएगा 2 3 6 एंड 7 6 42। सो जो नया नंबर होगा हमारा, जो भी नंबर होगा वो नंबर 42 नंबर का स्क्वायर होगा और दिया गया नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा। सो 42 का स्क्वायर इक्वल टू जो भी नंबर है यहाँ पर 42 मल्टीप्लाई 42 आप करेंगे तो आपको वो परफेक्ट स्क्वायर जो होने वाला नंबर है वो भी फाइंड होगा राइट। यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, 42 मल्टीप्लाई 42, 2 2 4 एंड 2 4 8, 4 2 8 एंड 4 4 16, सो 4 16 का 6 कैरी 1 7 एंड दिस, सो द न्यू नंबर ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर विल बी 1764 इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर by dividing the rest of number 5 okay। और इसका जो हमारा जिस नंबर का ये परफेक्ट स्क्वायर है वो है 42। सो इस पार्ट ए में जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर पूछा गया था ऑल्सो फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज न्यू नंबर, तो वो जो न्यू नंबर था जिसका वो स्क्वायर है 42 का स्क्वायर होगा वो नया नंबर, और जो हमारा द स्मॉलेस्ट नंबर जिससे हमें डिवाइड करना था वो फाइंड हुआ 5। तो इसी तरह से हमें बी सी और डी क्वेश्चन सोल्व करने हैं, बिल्कुल इसी तरह से हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो हमें एक नंबर फाइंड करना है 2 डिजिट का जो कि हमारा सबसे मतलब ग्रेटेस्ट है, सबसे बड़ा नंबर है और एक परफेक्ट स्क्वायर है। Find the greatest number of 2 digit, right? Here find the greatest number of 2 digits. हमें 2 digits का एक greatest number find करना है, which is a perfect square, जो हमारा एक perfect square होता है, right? अगर हम यहाँ पर देखें 2 digit का greatest number find करने के लिए, तो हमारा जो सबसे बड़ा 2 digit का जो number होता है सबसे बड़ा होता है 99, लेकिन 99 क्या है, एक हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है राइट। अगर हम कहें और 99 81 ओके, अगर हम करें 9 का स्क्वायर तो 9 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू 99 81 होता है राइट। और अगर हम 9 से ऊपर एक और डिजिट कर दें स्क्वायर में राइट, तो हो जाएगा हमारा 10 मल्टीप्लाई 10, तो 10 10 जा 100, तो 100 क्या होगा हमारा, एक 3 डिजिट का नंबर है, 1 2 एंड 3, ये 3 डिजिट का नंबर है जो कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन 10 का है, ये हमारा 3 डिजिट का एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। लेकिन हमसे पूछा गया है कितना,
फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ टू डिजिट्स विच इज ए परफेक्ट नंबर. सो टू डिजिट का अगर हम इससे 10 का स्क्वायर करते हैं तो 100 आ जाता है, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ थ्री डिजिट. राइट, ये थ्री डिजिट का नंबर है. अगर हम इससे पहले चलते हैं, राइट बैक चलते हैं, तो 10 से पहले हमारा 9 होता है. 9 का अगर हम स्क्वायर करें तो 9 मल्टीप्लाई 9, 9 जा 81. तो हमारा जो ग्रेटेस्ट नंबर टू डिजिट का है वो 81 होगा. सो 81 इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ टू डिजिट्स. राइट, वी कैन से 81 इज द ग्रेटेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर. परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ टू डिजिट्स. ओके, ये जो 81 है ये क्या है, ये टू डिजिट्स नंबर है. राइट, सो हमें सबसे बड़ा नंबर फाइंड 81 इज द ग्रेटेस्ट परफेक्ट स्क्वायर ऑफ द टू डिजिट नंबर.